जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बिना केवल राजस्थान से कर आजाद है साथियों, इस बात को लेकर आरएसएस के लोग परेशान होते हैं, इस बात के लोग जो मानवता के खिलाफ लोग हैं, जो इंसानियत के खिलाफ लोग हैं, वो परेशान होते हैं कि गरीब घर में पैदा होने वाला एक मिनट का समय अगर बैठ जाओगे तो मेरा मन बड़ा हो जाएगा, मेरा विश्वास मजबूत हो जाएगा। बैठ जाओ, एक मिनट के अंदर बैठ जाओ, वरना लगेगा कि आप मेरे लिए आए नहीं हो, ऐसा महसूस होगा कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। बैठ जाओ, पीछे का व्यक्ति भी दिखना चाहिए मुझे। 30 सेकंड हो गई है, 30 सेकंड बाकी है। यहाँ के लोग मदद नहीं कर रहे, यहाँ वाले भी आगे वाले बैठ जाए, मीडिया को दिया गया ठीक है, आनंद जी ठीक होगा। 30 सेकंड बाकी है, ये वाली ठीक डिस्टर्ब कर रही है, ये वाली मुझे बताया जगह छोटी पड़ गई है, बैठ जाओ, तुम्हें भी सोलिए दिखाने का मौका। बस एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत में दो दो मिनट में अपनी बात बनती जा रही है। सबसे पहले डॉक्टर लोकतंत्र खत्म हो रहा है और राजनीति में आगे आ रहा है, और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, मणिपुर की संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, पेरिया रामास्वामी नायकर जी, साहूजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी सहित मानवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, और यहाँ उपस्थित सब साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। एक नारा साथ में जोरदार हो जाए, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं देश के अंदर केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को वो इंसान नहीं मानती। वो देश के शासन को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के हिसाब से चलाना नहीं चाहती, वो देश को मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहती है। चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, चाहे वो मणिपुर का केस हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का केस हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का केस हो, चाहे आंध्र प्रदेश का केस हो, चाहे हाथरस का केस हो, इन सारे केसों में उत्पीड़न करने वाले लोगों की जाति के लोगों ने जिस तरीके से उत्पीड़न करने वाले लोगों के फेवर में मां पंचायत की है, ये इस तरफ इशारा है कि वो लोग हमें उकसाना चाहते हैं, वो हमारे ताकत की परीक्षा ले रहे हैं, धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये लड़ाई लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, ये लोग इसे जाति की लड़ाई बनाना चाहते हैं, हमें इसे जाति की लड़ाई नहीं बनने देना है। हमें इस लड़ाई को जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने या माननीय कांसीराम साहब ने इस लड़ाई को अपनी बुद्धि और विवेक से, बाबा साहेब के संविधान से लड़ा, हम लोग भी इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे। हम लोग किसी भी अपने आप को धैर्य को खोने वाले नहीं है, हम लोग अपने आपे को खोने वाले नहीं है, ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ये चाहते हैं हमारा पूरा युवा समाज भड़कावे में आकर सड़क पर उतर आए और हथियार उठा ले। सेना उनके पास है, जज उनके हैं, क्योंकि कोर्ट में निर्णय आपने देखा होगा, हमारे गुजर समाज के एक व्यक्ति ने ओबीसी रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट में केवल एक पिटीशन डाली थी कि ये जो कॉलेजियम के अंदर हमारे लोग नहीं है, जो सुनवाई कर रही है बेंच, उस बेंच में ओबीसी एससी एसटी का कोई जज नहीं है, आप एससी का जज लगाइए, तब हमें लगेगा कि हमें उस हमारे गुजर समाज के व्यक्ति के ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, यानी ये हमें रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ना हम बिकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे,
आप हमें डराने की कोशिश मत करना, ये बहुजन समाज के लोग डरने वाले लोग नहीं है। आप एक चंद्रशेखर आजाद को मारोगे, आप एक चंद्रशेखर आजाद को, एक राजेंद्र गौतम को मारोगे, करोड़ों पैदा होंगे करोड़ों। आप मारते मारते थक जाएंगे, आजाद पैदा होंगे, गौतम पैदा होंगे, क्योंकि हम ही में से कांसीराम पैदा होंगे, हम ही में से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होंगे। ये लड़ाई हम हारने के लिए नहीं लड़ रहे, हम पूरे धैर्य के साथ, बुद्धि और विवेक के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। देर एक चीज पे आपका समर्थन चाहता हूँ, जितने बहुजन समाज के संगठन है, जितने बहुजन समाज के राजनीतिक नेता है, क्या आप सहमत है सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए? नहीं है जय भारत।